sign. Oh, Marito Valbuena. उनकी भी नात पात करती है सईद को बुला लेना सईद السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیز نوجوانوں پیارے بچوں اس وقت میں ہم لوگ جب بھی گھڑی کو دیکھتے ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ایک ایک لمحے کو اللہ گھٹاتا جا رہا ہے اور ہم لوگ اپنی منزل کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور اسی زندگی کی سعادتوں میں اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی عطا کیا جس کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ گزارنے کی اور اسے صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا کرتے ہوئے اللہ نے بعضوں کو اعتکاف میں پہنچا دیا میرے عزیز بھائیوں اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ہمارے کانوں میں عید کا اعلان بھی ہو جائے گا خوشیاں منانے والا ایک وہ طبقہ جو بازار میں گھوم رہا ہے کپڑے خریدتے ہوئے اپنی عید کی جو کچھ بھی تیاری ان لوگوں نے اپنے ذہنی اعتبار سے بنا رکھی ہے کپڑے خریدو اشیاء خریدو زیب و زینت کی چیزیں خریدو یہ مناؤ وہ مناؤ ایسا کرو ویسا کرو ایک بڑا مجمع سڑکوں پہ گھوم رہا ہے اگر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں گے کسی سے بھی آپ پوچھیں گے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں
पूरा पूरा दिन बाज़ार में गुजारते हैं। कभी बहन के लिए परचेसिंग हो रही है, कभी भाई के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बड़ों के लिए, कभी अपनों के लिए, कभी परायों के लिए। गोया बाज़ार को उन्होंने आबाद कर रखा है। उन्होंने अपने तसव्वुर में ये बिठा लिया कि ईद कहते हैं नए कपड़े का नाम, नए अशिया का नाम, नई चीज़ों का नाम, नए इन तमाम चीज़ों को लाने का नाम, देने का नाम, मुबारकबादी का नाम। इसको इन्होंने ईद समझा। इनविटेशन कार्ड्स छापने का नाम, रमज़ान को रस्मी तौर पर गुजारने वाला तबका, एक बड़ा तबका आपको मिलेगा। और ये हमारे अकाबिर का रमज़ान है। हम अगर अल्लाह वालों से पूछें आपने रमज़ान कैसे गुजारे, मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन बिमन कदमात, अगर तुम किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो मरहूमीन के नक्शे कदम पर चलो। मरहूमीन में जिन लोगों ने रमज़ान की कदर फरमा कर अल्लाह के यहाँ बरगुजीदा बने, ज़रा हम उनकी ज़िंदगी की तरफ गौर करें, देखें। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तफसील के साथ बड़ों का रमज़ान तहरीर किया और बड़े कैसे रमज़ान गुजारे, रमज़ान से कैसा ताल्लुक़ था, कैसी उनसियत थी। रमज़ान जाता था तो बड़ों की चीखें निकल जाती थी, गोया अपने घरों से लाश निकल रही हो, लाशें निकल रही हो, इतना ज़्यादा दर्द के साथ रमज़ान गुजारते थे। हर रात की कदर, हर दिन की कदर, हर नमाज की कदर, हर लम्हे की कदर, हर घड़ी की कदर। और हमारे यहाँ एक ऐसा रस्म और रिवाज बन गया, जैसे खुसूसन अल्लाह ताला हम में से हर एक की हिफाजत फरमाए। आज भी मैंने साथियों से कहा कि जब ताक रातों की बात आती है, एक तबका चाय बनाने वाला वो चाय बनाने में लग जाता है, एक तबका बिस्किट तकसीम करने वाला वो बिस्किट तकसीम करने को अपनी ताक रात समझता है, एक तबका सहरी खिलाने वाला सहरी पकाने में खिलाने में वो मसरूफ़ हो जाता है। मैं ये पूछता हूँ, अरे भाई बहुत अच्छी बात है तुम लोगों ने सहरी का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, किन लोगों के लिए किया, कभी आपने सोचा? जिन लोगों को तुम बुलाकर दावत दे रहे हो, क्या ये बेघर लोग हैं, क्या ये बेवारसी लोग हैं, क्या इनका घरदार कुछ नहीं है, इनके घरों में सब कुछ है, तो जब है पेट भरे को खिलाए जैसा, और आप इसको सवाब समझ रहे हैं, उसी जगह पर महल्ले के दीगर घरों का हाल जाकर आप तलाश कीजिए। रमज़ान का महीना होने के बावजूद ना सहरी के लिए उनके घर में कुछ है, ना इफ्तारी के लिए कुछ है। वो गीरतमंद लोग हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो घिगा कर लोगों के सामने मांगते नहीं। साइलीन का एक वो तबका है जो मस्जिदों में आकर सवाल करता है, घरों में आकर सवाल करता है, लोगों के पास आकर सवाल करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन एक बड़ा मजमा मजबूर का, माजूर का और फुकरा का, मसाकीन का वो है जो गीरत की वजह से वो लोग मर रहे हैं। वो अपना दस्ते सवाल फैलाने के लिए इतना शर्मिंदा है, कट जाएंगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने ये अपनी ज़मीर को झिझोड़ते हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं ये बात उन्होंने ठान ली। दस्ते सवाल लाखों ऐबों की ऐब है, जिसमें ये ऐब ना हो वो दस्ते गैब है। वो सो ये अल्लाह के पास मांग रहे हैं, ये अल्लाह कोई ना कोई तेरा बंदा आएगा हमारे बारे में सोचेगा। हम लोग उसे चेहरा देख रहे हैं कि वो माशाल्लाह अच्छा है, आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है, लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों उसके घर में क्या हाल है हम में से किसी को नहीं मालूम। रमज़ानुल मुबारक ये एहसास दिलाने के लिए आया था कि तुम लोग भूखों का एहसास, भूखों के भूख का एहसास करो। ये लोग कहीं ना कहीं पेट भर लेंगे, लेकिन आपका काम घर घर तलाश करना, उनके पास जाना। बाज़ मर्तबा
जिस वक्त में मस्जिद खिदमत कमेटी रेशन पहुंचाने के नज़्म बना रही थी कि बाज़ लोग घर के दहलीज खटखटाते वक्त जब ये महसूस किए कि ये लोग रेशन देने के लिए आए, दरवाज़ा नहीं खोला उन लोगों ने, हालांकि वो मजबूर हैं। क्यों? ये लोग चेहरा देख लेंगे, क्या हाजी साहब तुम्हें क्या, अरे भाई आप हैं, कहीं शर्मिंदगी और फिर इनके सामने रुसवाई होनी ना पड़े, दरवाज़ा नहीं खोले। इसलिए हमने साथियों को हिदायत दी, रात को रेशन तकसीम करो, दरवाज़ा खटखटाओ, रेशन रख दो और रख कर वहाँ से फौरन निकल जाओ और निकल कर यूँ कह देना अपने ज़ुबान हाल से, भाई तुम्हारी मुकद्दर का रिस्क दहलीज तक पहुँच गया है, अंदर लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है, खटखटा कर चले जाइए। कौन आ रहे हैं, कौन देख रहे हैं, कौन उठा रहे हैं, ज़रा बराबर भी आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें। एक बड़ा मजमा है। अलगर्ज़ मैं आज करना चाहता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ, आज मैं इन यशवंतपुर में यहाँ के मदनी दस्तरखान की बड़ी तारीफ़ करते हुए कहा, अरे भाई ये दस्तरखान वाले हैं जो कल्लाश को, फल्लाश को, मसाकीन को, फ़करा को बुलाकर खिलाते हैं। हकीकत में ये होना चाहिए था, और तुम लोग करते क्या हो, हर जुमेरात को 500 लोगों का खाना पकता है, पूरे के पूरे कारों में आकर उतरते हैं, खाना खाकर जाते हैं, लिफ्ट से उतरते ही खाना खाकर जाते, शर्म नहीं आती उन लोगों को? क्या तुम्हारे घरों में खाना नहीं है? यहाँ क्यों आकर खाना खा रहे हो? ये खाना फकीरों का हक था और तुम लोगों ने खा लिया। मैं आज कहना चाहता हूँ, रमज़ान एक एहसास दिलाने के लिए आता है, भूखों का एहसास करो, प्यासों का एहसास बेदार करो, गरीबों का एहसास बेदार करो और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दील लाओ, अपनी ज़िंदगी के सोच को बदलो, फिक्र को बदलो, किरदार को बदलो, अखलाक को बदलो, सब को बदलो, रोज़ को बदलो, एक एक लम्हे को बदलो। तुम्हारे खुद ज़िंदगी के अंदर ऐसी तब्दीली आनी चाहिए कि तुम खुद बदल जाना चाहिए। और खुसूसन ये ताकरातें, ये ताकरातें क्या हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं, टर्निंग सर्कल्स हैं। अगर आज हम लोगों ने ताकरात, खुसूसन आपने, आपके सामने जो आयत मैंने तिलावत की, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने कुरान पाक को जो नाजिल फरमाया वो 21 रमज़ान को नाजिल फरमाया। 21 रमज़ान, रमज़ान का इंतखाब अल्लाह ने तमाम किताबों के लिए किया, तौरात भी रमज़ान में, इंजील भी रमज़ान में, ज़बूर भी रमज़ान में, कुरान भी रमज़ान में। तौरात नाजिल हुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ने तौरात को देने का फ़ैसला फरमाया 6 रमज़ान को, ज़बूर का फ़ैसला किया 12 रमज़ान को, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए। बाज़ लोगों ने कहा 12 रमज़ान ये इंजील का फ़ैसला हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 18 रमज़ान दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ज़बूर का फ़ैसला हुआ है। और मेरे भाइयों 21 रमजान को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अल्लाह ने अता फरमाया। उलमा ने क्या कहा, उस साल का शबे कदर 21वीं रात थी, उस साल की शबे कदर 21वीं रात थी। तो अल्लाह ने 21वीं रात को अल्हम्दुलिल्लाह वो अता किया, हजरत ने उस 21वीं रात को कुरान पाक लौहे महफूज से बैतुल मामूर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। लौहे महफूज से बैतुल मामूर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। अब कुरान नाजिल हुआ, रमज़ान का इंतखाब अल्लाह ने क्यों फरमाया, इसलिए कि जिस तरह बीज बोने के लिए हम ज़मीन को हमवार करते हैं, अल्लाह रमज़ान में दिलों को हमवार कर देते हैं अल्लाह के अहकाम के नुज़ूल के लिए। अल्लाह का हुक्म सुनाया जाता है, रमज़ान में हर एक का दिल कबूल कर लेता है, अल्लाह का हुक्म बताया जाता है, रमज़ान का सबका दिल तस्लीम कर लेता है, अल्लाह का हुक्म करने को कहा जाता है तो लोग कर लेते हैं, रुकने को कहा जाता है तो लोग रुक जाते हैं। जो हुक्म अल्लाह का हुआ उस पर आमन्ना समीना वातना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, ये मंजर आप रमज़ान में देख सकते हैं।
ये मजमा जो अब बैठा हुआ है इतना बड़ा, अगर आप दीगर औकात में चीखे मार मार कर, पोस्टर लगा लगा कर, हर एक ऐलान कर कर के आप जोड़ने की कोशिश करो, इतना बड़ा मजमा खुलूस के साथ, इत्मीनान के साथ, जो आज अब रमज़ान में बैठता है, दीगर औकात में कहाँ बैठते, यहीं बैठे हुए लोगों में सब आधा मजमा वो है पैजामा झटक लग जाते रहेंगे। उलमा इकराम को क्या है, बोलने का बोलते रहती, सुनाने का सुनाते रहती, हमें करने का करते रहेंगे, क्यों बैठे हुए हैं, कौन सी ताकत आपको खिलाने पर, किसने आपको तश्किल की, किसने आपको तरगीब दी, नमाज में चौक दर चौक लोग क्यों आ रहे हैं, अजान की कदर क्यों कर रहे हैं, क्या रमज़ान के रमज़ान का मौज़िन अलग है, गैर रमज़ान का मौज़िन अलग है, रमज़ान की अजान अलग है, गैर रमज़ान की अजान अलग है, रमज़ान के इमाम अलग हैं, गैर रमज़ान के इमाम अलग हैं, रमज़ान के मस्जिद का माहौल अलग है, गैर रमज़ान में अलग है, सब वही है, दिलों की कैफियत रमज़ान में बदल जाती है, शयातीन बंद कर दिए गए और अल्लाह ने हम लोगों को कुछ देने का फैसला किया, लअल्लकुम तत्तकून, हमने इसलिए तुम लोगों को रमज़ान अता फरमाया ताकि तुम सब मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह लअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है उम्मीद के, उम्मीद के तुम सब, अल्लाह का काम क्या, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, साफ साफ असबाब मुहैया करना, रमज़ान अता करना, रमज़ान में ज़िंदगी देना, यही मजमा। अभी मैं बैठने से पहले सोच रहा था, इस मजमे में एक ज़माना था कलीमुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमेशा उनकी एक आदत थी, 27 के बाद, यहाँ सब जानते हैं, 27 के बाद हमेशा हमारी मस्जिद में, इसी मस्जिद में जब से झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाद जब मस्जिद की तामीर हुई, जब धीरे धीरे काम चला, तो महल्ले के हुफ्फाज़ के बच्चों को बुलाकर चार चार रकात नमाज पढ़ाते थे, और उसमें हमेशा मेरा बयान होता था, जब मैं पढ़ रहा था मेरा बयान होता था, कहते भाई ये मोहल्ले के मौलाना हैं, इंशाल्लाह बयान करेंगे, मोहल्ले के हाफिज साहब हैं, हर चार रकात का ऐलान होता, ये मोहल्ले का बच्चा है, इंशाल्लाह आपके सामने चार रकात नमाज पढ़ाएंगे, बड़ा एक माहौल, क्यों, मोहल्ले की मस्जिद के साथ एक लगाव। मैं बैठने से पहले सोच रहा था, अरे भाई वो अल्लाह के बंदे यहाँ कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गए, क्या उनकी सेहत, क्या उनकी ताकत, क्या उनकी हिम्मत, क्या उनकी दंदनाहट, क्या हजरत के हौसले, अजाइम, जज्बात, कोई बोल सकता है कि आज वो बंदा इतना जल्दी रुखसत हो जाएगा। शाबान में एक जलसे में गया तो उसमें कहने लगे ये मौलाना कलीमुल्लाह साहब की नवासी है, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मेरे भाइयों सबको जाना है, जाने से पहले सुधर जाओ, इतना कहना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जाने से पहले सुधर जाओ। आज जिन अल्लाह वालों को हम देख रहे हैं, कल आंखें तरस जाएंगी, कोई अल्लाह वाला नजर नहीं आएगा। दारुलूम जैसा इतना बड़ा इदारा, अजहरुल हिंद जिसको कहा जाता है, आज मुहद्दिसीन को तलाश कर रहा है, मुफक्किरीन को तलाश कर रहा है, फुकहा को तलाश कर रहा है, मुफ्तियों को तलाश कर रहा है, क्यों, एक वक्त आठ बड़े बड़े चोटी के उलमा दुनिया से रुखसत हो गए, क्या वो पहाड़ जैसे उलमा मिलेंगे। मैं हमेशा पूछा करता हूं, सैफुद्दीन साहब को क्या फिर दोबारा बेंगलुरु पा सकता है, वो एक आलिम नहीं थे, हजार के बराबर एक आलिम थे, क्या मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हमें मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, अब जो हैं आइंदा नहीं मिलेंगे, हमने बहुत नाकदरी कर ली। नाकदरी मत करो कभी भी, नाकदरी इंसान को बहुत सारी नेमतों से महरूम करती चली जाती है। आज जो हैं इनकी कदर कर लो, बड़े हैं तो कदर कर लो, खानदान के बड़े हैं कदर कर लो, घर के बड़े हैं कदर कर लो, दीन के बड़े हैं कदर कर लो, दुनिया के बड़े हैं कदर कर लो, आज रहबर हैं, कल तुम तलाश करोगे तुम्हारा कोई रहबरी करने वाला, हिम्मत के देने वाला, हौसला देने वाला, तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाने वाला, तुम्हारी रहबरी करने वाला, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने वाला, तुम्हारे दम में दम देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज़माना बहुत
कहतुर रिजाल का ज़माना है। कहतुर रिजाल, ये कैद साली होती है, कैद साली पानी की कैद, बेकैद सालियाँ होते हैं पानी की कैद साली, खाने की कैद साली। जैसे कोरोना का ज़माना चला, तरस तरस गए थे लोग, खाने खाने को तरस गए, जीने जीने को तरस गए, जिस तरह तरस गए इसी तरह अल्लाह वालों की दीदार के लिए तरस जाएंगे, अल्लाह वाले नहीं मिलेंगे, हरगिज़ नहीं मिलेंगे। हिम्मत वालों के लिए तरस जाएंगे, नहीं मिलेंगे। इखलास वालों के लिए तरस जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अखराज वाले मिलेंगे, रियाकार मिलेंगे, दोहरी चाल वाले मिलेंगे, डबल एक्टिंग वाले मिलेंगे, आपको वो मिलेंगे जो तुम्हारे मुताबिक एडजस्टमेंट करके दीन को पेश करेंगे। यसअलून अन्नास, लोग जाकर सवाल करेंगे जाहिलों को। यसअलून अलजुहाल, जल्लू फाजल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, सबको गुमराह करेंगे। शबे कदर, ये कदर दाम बनाने के लिए आती, ये रातें जो आती हैं कदर दाम बनाने के लिए आती है। शबे कदर किसे कहते हैं? कदर के कई माने हैं। कदर के माने मुतय्यन करना, वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिकद्रिन मालूम, हम कोई भी चीज़ नाजिल करते हैं तो हम बर उसकी मकदार मुतय्यन किए हुए हैं, उसी की मकदार अल्लाह ताला नाजिल करते हैं। यहाँ तक के उलमा ने फरमाया, खुशी अल्लाह नाजिल करते उसकी भी मकदार मुतय्यन है, गम अल्लाह नाजिल करते उसकी भी मकदार मुतय्यन है, फितना अल्लाह नाजिल करते उसकी भी मकदार मुतय्यन है, इस्लाह अल्लाह नाजिल करते उसकी भी मकदार मुतय्यन है। इसी तरह अल्लाह की तरफ से रहमतें, अल्लाह की तरफ से जहमतें, अल्लाह की तरफ से आफियतें, अल्लाह की तरफ से खैर के फैसले, ये सब की मकदार मुतय्यन है, उसी मुतय्यन मकदार के मुताबिक अल्लाह नाजिल करते हैं। लैलतुल कदर क्यों है? मकदार बढ़ाओ, लैलतुल कदर मकदार बढ़ाओ। अल्लाह से कहो, या अल्लाह जो आफियत तूने हमें अता की, आज वो आफियत हम महसूस नहीं कर रहे हैं। हर एक के दिल से पूछो, वो हर एक के दिल से पूछो, उसे अपने बच्चों का अभी से एक दिल के कोने में चिंता लगा हुआ है, मैं मेरे बच्चों का नेक्स्ट क्या होगा, बेंगलुरु का चलते चलते ज़माना बहुत ख़राब होते जा रहा है, माहौल बिगड़ते जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ, डेक्कन हेराल्ड में जिस वक्त गुस्ताखी की आवाज़ महसूस की लोगों ने, जब किसी ने छाप दिया तो उस पर हमारे आबा व अजदाद ही थे जिन्होंने ऐसी की तैसी कर दी और उसको पानी पिला दिया और हमेशा हमेशा के लिए ऐसा सबक सिखा दिया। आज भी डेक्कन हेराल्ड वाले के सामने वो वाकया बयान किया जाए, हिल जाते, पसीना निकल जाते। और ये हम लोग हैं, हिजाब का मामला आया तो हमारे अंदर की गीरत कहाँ गई, हलाल कटिंग का मामला आया तो हमारे अंदर की गीरत कहाँ गई, दीगर तमाम मामला, दाढ़ी का मामला आया तो हमारी गीरत कहाँ गई, एक के अजान का मामला आया तो हमारी गीरत कहाँ गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे अकाबिर थे, हमारे आबा व अजदाद थे जो चंद साल पहले, उनके अंदर उतनी बड़ी गीरत, उतनी बड़ी हिम्मत, और उस हिम्मत की वजह से हिंदुस्तान में मुसलमान, बेंगलोर के मुसलमानों का हौसला मशहूर हुआ, हिम्मत मशहूर हुई, दीनदारी मशहूर हुई। लेकिन अब एहतजाज को बुलाएगा तो खाली 15 से 20 से 25 जने, इनोज बमना मर लेना, सो पोस्टरा पकड़ लेगो। अब एक साहब क्या कहने लगे, एक हाथ उठाओ तो एहतजाज करे तो एक लोग क्या समझे, क्या रे हाथा एक ही चक हाथ उठाना, क्या करना, दो दो हाथा उठाओ भाई, ताकि 15 जने के दो हाथा 30 लगे, 30 जने के दो हाथा 60 लगे, 60 लोगों के दो हाथा 120 लगे। इसलिए दो हाथे उठाकर एहतजाज करो। हीरत मर गई, हिम्मतें टूट गई, दम नहीं है। क्यों? उसकी सबसे पहली वजह हराम को खोरी, सूद आम है, बेफिक्र सूद आम, एहसास सूद ही नहीं रहा,
एहसास जिया जाता रहा। क्यों एहसास नहीं है? इसलिए कि हमारे दिल के अंदर वो दिल नहीं है जो दिल सही फैसला करने वाला हो। हराम खा खा कर दिल बेहिस हो गया। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह का वास्ता देकर मैं कहता हूँ, ये कहना मुझ पर फर्ज है और ये कहना हम पर वाजिब है, वरना हम लोग खाइल समझे जाएंगे। जितने लोग लीज के घरों में रहते हैं वो सब तौबा करो। वो पता नहीं कौन सा धामड़ मुफ्ती फतवा दिया, बेवकूफ, लीज के घरों में जायज है। लीज कौन फतवा दिया, किसने फतवा दिया, कहाँ से फतवा दिया, कैसे फतवा दिया? और आजकल जो मैंने कहा एडजस्टमेंट मौलवी, लोग जाकर क्या मौलाना ना करो, वो मौलाना से पूछती परवा नहीं जी, क्या है? अच्छी तरह मालूम गंदगी डब्बे में लाकर रही, इन्हों ऊपर सिल्वर कवर लगा कोई हलवा समझ को खा लियो, खुशी नो सभी मौलाना इजाजत दे दल ले भाई, मौलाना इजाजत दे दल ले भाई। उन्होंने हमारे मौलाना भाई क्या मसला पूछना करते, उनको पूछो जी, जैसा हम ना हो ना वैसा फतवा निकाल को बता दी, कहाँ से निकाल को बता दी, तुम्हारे चिच्चा का कुरान क्या वो निकाल को बताने के वास्ते यश्तरू नबी आया तिल्ला ही समन कलीला, निकाल कर नहीं बता रहा है, निकाल कर नहीं, तुम्हें गुमराह कर रहा है। एक बेवकूफ ने रमजान मुबारक में बयान करते हुए कहा, ए लोगो, ये एक फर्ज की 70 फर्ज के बराबर सवाब मिलता है, तो तुम लोग क्या करो, फर्ज नमाज पढ़ते हुए ये नियत कर लो, ए मेरे अल्लाह, मैंने जिंदगी में 7 पर 9 नमाजें जो मैंने कजा की वो इस नमाज के जरिए से अदा कर दी। यानी एक फर्ज फजर पढ़ना, एक फजर इसकी रमजान के पहले रोजे की, 7 पर 9 फजर रमजान के अलावा छोड़े देखो, उसकी नियत कर लेना, कहते खजा की नियत। अब इन्हें भी खुशी, मेरे प्यारों क्या हल बताया मौलाना ने, कितना हल बताया लोगों को गुमराह। जैसे कहा हजरत ने कि भाई आप हजरात अपने उम्री कजा करो, उम्री कजा करो, उम्री कजा कैसे करना, या अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा जो फजर छोड़ी, जो फजर छोड़ी उस फजर की मैं कजा कर रहा हूँ, ये नियत करते हुए आप फजर, फिर उसके बाद आप जोहर की इसी तरह नियत करो, असर की, मगरिब की, ईशा की इसी तरह नियत करो, फिर उसके बाद क्या नियत करना, फिर उसके बाद ख़त्म नियत, फिर उसके बाद जो फजर छोड़ी वो अदा कर रहा हूँ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद बोलते हुए चले जाओ, ऑटोमेटिक फरिश्ते फिट कर लेती, फरिश्तों को डेट बोलने की ज़रूरत नहीं, फरिश्तों को दिन बोलने की ज़रूरत नहीं, फलां दिन में फलां डेट में जो फजर, हमारा कहाँ याद है, नमाज़ा कब कब पढ़े पूछो वो डेटा बोलेंगे, कब कब छोड़े वो नहीं पूछना, क्या पूछना, कब कब तुम्हें फजर पड़े, बोलो जी देखेंगे तो अल्लाह अकबर, हर जुमे की फजर पढ़ गो हूँ मौलाना, क्या बात कर रही हूँ, हर महीने का पहला जुमा हर चीज नागा नहीं करता, तारीख बोलेंगे, कोई भी जुमा अल्लाह के फजल करम से मैं नागा कर कर नहीं हूँ, अल्लाह का फजल करम जुमा जुमा माशाल्लाह। बेशर्मी की बातें भी बड़े ही शान से कहते हैं। तो मैं याद करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ भाइयों, तो हम नियत ये करते हुए अपनी पूरी कज़ा नमाजें अदा करें, पूरी कज़ा नमाजें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिन लोगों पर कज़ा नमाजें हैं, नफिल से भी ज़्यादा अफजल कज़ा अदा करना है, तहज्जुद से भी अफजल कज़ा अदा करना, 2 रकात तहज्जुद पढ़ो, 4 रकात तहज्जुद पढ़ो, बस कज़ा नमाजें हैं आप पर, कज़ा अदा करना फ़र्ज है, कज़ा कर्ज है, अल्लाह के हक में कर्ज है, और कर्ज अदा करना फ़र्ज है, और आप लोग पहले कर्ज अदा करो। इशराक, इशराक के बजाय तुम जितना हो सके कज़ा नमाजें पढ़ो, चाश के बजाय कज़ा नमाज पढ़ो, अवामीन कज़ा नमाज पढ़ो, कज़ा के बारे में अल्लाह पूछेगा, इशराक के बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा, चाश के बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछोगी वो उन नमाजों के बारे में पूछोगी जो फराइज आपने नहीं पढ़ी। तो इसलिए ये ताक रातें
इसमें आप खूब खजा करें, खजा नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह से तोबा करें। या अल्लाह, मैं हमेशा साथियों से कहा करता हूँ, दिल को कैसे बदलना। हजरत, में सूद खा रहा हूँ, सूद हराम है, एहसास नहीं हो रहा, कैसे बदलना? जिक्र से बदला जाएगा। जिक्र से फिक्र पैदा होता है, बोलो भाई, जिक्र से फिक्र पैदा होता है। क्या क्या फिक्र पैदा होगा? अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बदलने का, अपने आप के अंदर इनकलाब लाने का। सबसे पहले जिस वक्त अंग्रेज़ों ने यहाँ पर दंदनाते हुए अपना झंडा गाड़ रहे थे, सबसे पहले एहसास करके उनका मुकाबला करने वाली जमात ज़ाकिरीन की जमात, सैयद अहमद शहीद अली रहमा की जमात, ज़ाकिरीन की जमात, हिंदुस्तान में इनकलाब लाने वाली जमात, और उधर सिराजुद्दौला की जमात, ज़ाकिरीन की जमात, कोई मामूली जमात नहीं थी, टीपू सुल्तान शहीद की जमात, ज़ाकिरीन की जमात। ज़ाकिरीन को सबसे पहले फितनों का इंकिशाफ हो जाता है। जिक्र करने वालों के साथ आसमान वाले भी फिक्र करते हैं, जिक्र करने वालों के बारे में आसमान वाले भी फिक्र करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया, जब तू किसी मजमे में बैठकर मुझे याद करता है, उससे बेहतर मजमे मैं तुझे याद करता हूँ, अफजल अकरम मिनहू, अफजल मिनहू। और यह मजमा मैं हजरत से गुजारिश किया, हजरत हम लोग जब यहाँ हैं तो तमाम साथियों की ज़ुबान पर अल्लाह का नाम जारी करके जाएं। देखो भाई, एक बात सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस पाक में साफ इरशाद है। और मैं जो ऐसे ही जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, हदीस पाक में साफ है, ला तकूमुस्सा हत्ता युकाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह को शेख उल हदीस रहमतुल्लाह दो तरह पढ़ते थे, अल्लाह 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 अल्लाह। आप अल्लाह अल्लाह पढ़ो, मशाइख चिश्तिया के जिक्र अज़कार में अल्लाह अल्लाह मिलाकर भी है, अल्लाह अल्लाह अलग अलग भी हैं। हजरत ने फरमाया, जब तक लोगों की ज़ुबानों में, जब तुम पूछो अरे भाई इस फितने का हल कौन है, जब ये कहने वाले बने अल्लाह ये फितने का हल है, अल्लाह ही हल करेगा, अल्लाह ही दूर करेगा, अल्लाह ही दुरुस्त करेगा, अल्लाह ही सही करेगा, अल्लाह ही इसका हल है, अल्लाह ही इसका हल है, जब सबके ज़ुबानों पर अल्लाह आ जाए, जैसे वाला यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, यूं समझो अल्लाह कयामत को टालता चला जाएगा। आप किसकी जुबान पर अल्लाह है? मोदी पे करता सुदलिंदर ऐसा बोलता, जैसे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन को जिस वक्त जमीन से मिट्टी लेकर इंसान बनाने का अल्लाह ने फैसला किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते आए तो जमीन ये रोई, अरे भाई छोड़ डालो भाई छोड़ डालो भाई, बिल बिलाई रोई गिड़गिड़ाई, हर जाने वाला फरिश्ता है अल्लाह बहुत रो रही अल्लाह बहुत गिड़गिड़ा रही, आ जाते थे। अल्लाह ताला कहने लगे, इज़राइल जी तुम्हें जाने लगो जी। इज़राइल अलैहिस्सलाम गए, जाकर मिट्टी लेकर आ गए। पूछा, इज़राइल क्या हुआ? का जी ला लिया, का जमीन का मामला, कहा जे अल्लाह, वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, मैं उसके पास से मिट्टी लेकर आ ही गया। तो अल्लाह ताला कहने लगे, वाह, तेरे जिम्मे में ऐसे काम सुपुर्द करूंगा, लोग मिट जाए, कट जाए, पिट जाए, बिल बिलाए, गिड़गिड़ाए, तड़पे, बगैर रहम के रूह निकाल लेकर आना। अब इज़राइल साहब बोले, या अल्लाह ये इसके सजा, मैं क्या की, एक बार तुम्हें बोले ना बोलकर लेकर आ गया, ये हमेशा ले लगा, वो तो समझे ना मुझे ना कह लीजिए 300, तेरी इज़राइल की मारो, इज़राइल की मारो, तो लोग बोलेंगे ना मुझे क्या हाल होना, सब बोलो सब जने मुझे गाली देंगे। अल्लाह कहने लगा कि इज़राइल ऐसे असबाब मौत की मैं अता करूँगा, तसव्वुर में भी तेरा नाम नहीं आएगा। लोग क्या कहेंगे? वो हॉस्पिटल बराबर नहीं थी,
लोग क्या कहेंगे, कौन से डॉक्टर के पास बुलाने लगे सो दलिंदर के पास हो, कौन कौन जाते कि सब मर को जाता है सो, ऐसा कौन से हॉस्पिटल बुलाने गए, कौन सी दवा जी खिला, कौन सा मेडिकल जी वो, तो लोग मेडिकल को बोलेंगे, दवाई को बोलेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे, हॉस्पिटल को बोलेंगे, एम्बुलेंस को बोलेंगे, करोना को बोलेंगे, किसे नहीं बोलेंगे। आज तक पूरी दुनिया में हमारे खानदान में भी कितने लोग अमर को ही गहने हैं भाई, आज तक बोलती इसराइल को बोलिया क्या, बोलती क्या नहीं बोलते, किसे बोलेंगे। फिरा फिरा कर दे तुमने कौन सी राय दिया हॉस्पिटल वाले जाने का, कहाँ गए तो भी मरती सोच, कहाँ गए तो भी मरती सोच। हॉस्पिटल जैसा मैंने कहा कोरोना के ज़माने में हॉस्पिटल को गए तो जान भी जाएगी जायदाद भी जाएगी, हॉस्पिटल को नहीं गए तो जान जाएगी जायदाद नहीं जाएगी। क्या मतलब, अरे भी इलाज करना है यहीं रखकर कर लो, तुम्हारे अपना डॉक्टर है कोरोना का ज़माना भी, और जितने लोग हैं घर में इलाज करा लिए अभी भी जिंदा हैं, जितने लोग हैं वहाँ जाकर इलाज कराए रुख्सत हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह सबकी मगफिरत हो। खैर बहरहाल मौत तो बरहक है, मैं अर्ज कर रहा था इसी तरह इज़राइल अलैहिस्सलाम जिस तरह ज़मीन से रूह लेकर जाते, मरना तो सबको तय है, आज नहीं तो कल हम में से हर एक दुनिया से रुख्सत होंगे, लेकिन दिल, उस दिल के अंदर जब हर एक बंदा मसाइल का हल अल्लाह ही हल कर सकता है, जब सब अल्लाह का नाम बोलने वाले बन जाएंगे, जब सब अल्लाह का नाम कहने वाले बन जाएंगे, अल्लाह हालात को बदल देगा। अब जो कुछ भी हो रहा है ये आकर अज़बाब क़ियामत की है, ये अज़बाब क़ियामत जो भी हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह नियत करें हम अल्लाह का नाम लाने के लिए, अल्लाह का नाम अपनी ज़ुबान पर खूब इंशाअल्लाह हम लेते रहेंगे, अल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह दिल में बसाएगा बस जाएगा, और जब भी कोई पूछेगा तो हम सिर्फ कौन उसका हल बोलेंगे, कौन बे हल, अरे हल कौन है, सिर्फ वो सिर्फ अल्लाह। वही यमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफुहा इल्ला, कोई भी तकलीफ दुनिया में किसी इंसान को, किसी कौम को, किसी इलाके को, किसी भी तबके को आकर पहुंचती है, उसको हटाने वाली जात सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। मैं तो कहता हूं हमेशा फिरौन हामान और शद्दाद और नमरूद से इंतकाम लेने वाला रब क्या इस जमाने के फिरौन हामान से इंतकाम नहीं ले सकता। अल्लाह तो ज़ुल्म-ए-काम है, अल्लाह का नाम ही ज़ुल्म-ए-काम है, इंतकाम वाला। और इंतकाम वाले के इंतकाम में पूछता हूँ कि आपको खबर मिली भाई उन्होंने गिर गए, कौन जी उन्होंने भाई उनके उनके उन्होंने गिर गए तो क्या भी नहीं ना छोड़ दीजिए गिरते रहते हो जय गिर गए भाई कौन तुम्हारे अम्मी, अम्मी गिर गए फौरन हरकत। हालांकि अम्मी कहाँ गिरे, कहाँ भी गिरे नहीं, कुर्सी पर बैठ को थे, कुर्सी से क्या हो गए जरा कुशल को लेट, लेकिन बच्ची गिर गई जिस बच्ची को आप इंतहाई दिल और जान से चाहते हो। बाजू घर का बच्चा रोया तो सर में दर्द होता, अपना बच्चा रोया तो दिल में दर्द होता। इसी तरह अल्लाह को हमारे लोगों का उन्होंने मर गए, इन्हों मर गए, उन्हों पिट गए, उन्हें जूते खानी, उन्हें लाता खानी, क्या भी फ़र्क पड़ रहा, मर नहीं मरने दो, क्या भी फ़र्क पड़ क्यों, अल्लाह को ये बंदों से कुछ लेना देना ही नहीं, क्यों ये अल्लाह के बंदे है ही नहीं, बरस में एक बार नमाज पढ़ने वाले। मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात के हालात के बाद मैं खुद मुआयने के लिए गया, आप यकीन मानो जोहर की नमाज हो रही है, बाजू मुसलमान गाना बजा रहा था, तभी सोच लिया ये कमीनों की हरकत की वजह से जूते खाए सुनो गुरु, चुपके नहीं खाते जूते इनो क्यों खाते हैं ऐसे हरकत का, अल्लाह का गैर बजा रहा छोड़ो भाई, अपना आदमी बजाया तो कितनी मस्ती उसे, जोहर की नमाज चल रही है, नमाज हम खुद पढ़ रहे हैं, जोर जोर से गाना बजा रहे हैं। तो ये तमाम हरकतें हमारे नादानों से बहुत कुछ हुई हैं, इसकी वजह से ये तमाम न हो सके, इसलिए नियत करो इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे, दस दस मिनट हजरत इंशाल्लाह जिक्र कराएंगे, फिर इंशाल्लाह हजरत की दुआ करेंगे, ठीक है भाई, इंशाल्लाह सब दुआ पढ़ लो, मैं जो दुआ पढ़ाता हूँ
اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله بتی بجا دیں، دھیمی کر لیں، بتی دھیمی کر لیں.